हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं हेयर टिप्स। दोस्तों, मिनोक्सीडिल को लेके ये सवाल जो है काफी लोगों के मन में रहता है और काफी सारे कमेंट जो ये मेरे पास आती है वो ये है कि हमने जो है मिनोक्सीडिल इस्तेमाल करा और हमारे बाल जो है और ज्यादा झड़ने लगे, तो हम क्या करें? क्या हम मिनोक्सीडिल लगाना बंद कर दें या फिर उसको कंटिन्यू करें? या फिर कई लोगों के मन में ये सवाल भी रहता है कि क्या हम लगाएंगे तो उससे हेयरफॉल और बढ़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह की जो है सिचुएशन 50-50 लोगों में होती है। किसी का जो हेयरफॉल बढ़ जाता है और किसी का जो है नॉर्मल ही रहता है। पर ऐसा क्यों होता है, थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए और आपको क्या करना चाहिए अगर आपके संग ये चीज होती है। तो दोस्तों, मिनोक्सीडिल में जिसको भी ये कंडीशन देखने को मिलती है, जिसके साथ भी ये प्रॉब्लम फेस होती है, जो इस प्रॉब्लम को फेस करता है, कि जो भी यूज इस्तेमाल करता है उनके बाल जो है वो देखते हैं कि अचानक से जो है बाल और ज्यादा झड़ने लग गए। जितने पहले झड़ते थे मिनोक्सीडिल लगाने के बाद में वो और ज्यादा झड़ने लग गए। तो दोस्तों, क्या होता है ना, ये होता है सभी के साथ, होता है लगभग 50% या फिर 60% लोगों के साथ ये चीज जरूर होती है। क्या होता है ना दोस्तों, जो बाल आपके मर रहे थे, जो जड़े मर रही थी, जो बाल जो है इस कंडीशन में थे कि वो ना ग्रो कर रहे थे, ना उनमें किसी तरह की कोई हरकत नहीं हो रही थी, वो स्टेबल हो गए थे उस कंडीशन में जाने के बाद में। जिनको आज भी, तो आज के एक महीने बाद झड़ना था, 3 महीने बाद झड़ना था, वो बाल आपके जरूर झड़ते हैं। तो मिनोक्सीडिल जब आप इस्तेमाल करने लगते हैं तो वो क्या करता है, इन बालों को और तेजी से झड़ाता है। मतलब वो बाल और तेजी से झड़ते हैं क्योंकि वहां पे जो है वो रूट तो अभी है, उसको वापस से उसको रीग्रो कराना है, वापस से जिंदा करना है। तो जो बाल जो ऊपर के, जो जिनमें पोषक तत्व नहीं है, जो एक स्टेबल कंडीशन में आ गए हैं, जो मर चुके हैं, जिनमें नीचे से उसको मिनोक्सीडिल को वापस से वर्क करना है, तो वो उस बाल को झड़ाता है। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, वो बाल आपके झड़ेंगे। शुरू के 15 दिन या 20 दिन जो है आपको हेयरफॉल और ज्यादा दिखेगा मिनोक्सीडिल इस्तेमाल करने के बाद। तो आपको बिल्कुल भी घबराने या डरने की जरूरत नहीं है, आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। क्या होता है, वो वापस से उस बाल को रीग्रो कराता है, वापस से उस बाल को बनाता है। तो 15 से 20 रोज ये आपको कंडीशन देखने को मिल सकती है। आपको वो जो भी मिनोक्सीडिल का आता है, एक जो भी 60 ml की जो पैकेजिंग में आता है, उसको पूरा फिनिश करना है। अगर आपको 1 महीने बाद भी ये चीज दिखती है तो फिर आप फिर मिनोक्सीडिल का इस्तेमाल मत कीजिए, फिर उसको बंद कर दीजिएगा। पर 1 महीने जो है आपको ये चीज देखना है। 1 महीने बाद जो है ऑटोमेटिकली जो है आपका जो हेयरफॉल कम हो जाएगा और आपको ये प्रॉब्लम देखने को कम हो जाएगी। धीरे धीरे जो है आपकी हेयरफॉल बंद होने लगेगा और जो आपके बाल जो झड़ चुके हैं, मतलब जो अनबेलेंस्ड है, मतलब कि जो अभी अधूरी कंडीशन में जिनकी जड़ें मर चुकी है, वो वापस से रीग्रो करने लगेंगे और आपको हेयरफॉल बिल्कुल कम हो जाएगा और आपके नए बाल भी आना शुरू होंगे आफ्टर 1 month। ठीक है दोस्तों, शुरू में मैं भी ये चीज देखता था, मैंने बहुत सारे मिनोक्सीडिल ट्राई करे, 15 दिन करता था, मेरे हेयरफॉल और ज्यादा दिखने लगते, तो मैं सडनली जो है मिनोक्सीडिल का इस्तेमाल करना बंद कर देता था, एकदम से स्टॉप कर देता था। मैंने बहुत सारे मिनोक्सीडिल ट्राई करे और फिर मिनोक्सीडिल चेंज करके देखता, कभी ये लगाता, कभी वो लगाता, ये सब चीजें मैं करता था। पर दोस्तों, जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया और हेयर ट्रांसप्लांट कराने से कुछ समय पहले मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा, उसके बाद जो है मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ मिनोक्सीडिल को, मैं खुद लगाता हूँ मिनोक्सीडिल को और इस्तेमाल करता हूँ। और वो चीज दोस्तों, वो आप मत कीजिएगा, अगर 15 दिन आपको दिखता भी तो चलेगा, 15 दिन तक होगा, जो 15-20 दिन तक जो है आपका हेयरफॉल बढ़ेगा। पर आप इसको कंटिन्यू 1 महीने कीजिए, 1.5 महीने देखिए, 2 cc आपको खत्म करना है, दो बॉटल आती वो आपको खत्म करना है। इसके बाद अगर ये चीज कंटिन्यू बनी रहती तो फिर आप बंद कर दीजिएगा, वरना इसको इस्तेमाल करिएगा। 2 महीने के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फिर आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। 5-6 महीने साल भर जो इसको कंटिन्यू कीजिएगा, आपको बहुत बेटर रिजल्ट जो है इसका मिलेगा। और दोस्तों, मिनोक्सीडिल का बेटर रिजल्ट पाने के लिए मिनोक्सीडिल का दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिएगा, सुबह और शाम में 2 बार कीजिएगा। सुबह भी नहाने से 2 घंटे पहले, शाम को सोने से 2 घंटे पहले जो है मिनोक्सीडिल को अपने सिर में अच्छे से लगाइएगा। और दोस्तों, आपको 1 ml लेना है, ड्रॉप से उसके अंदर नीडल रहती है, उसके अंदर 2 ml लेना है और आपके सिर में अप्लाई करना है ऊपर, और जहां भी आपके बांधने की समस्या है वहां पे आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। और इसको 2 बार जरूर दिन में इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ आप मिनोक्सीडिल के संग में और अच्छा रिजल्ट पाने के लिए बायोटिन का इस्तेमाल जरूर करें दोस्तों, मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल टेबलेट का इस्तेमाल जरूर करें। इससे जो है आपको और बेटर रिजल्ट मिलेगा आपके हेयरफॉल में और आपके हेयर रीग्रो कराने में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। मैं भी पहले इस्तेमाल करता था, केवल मिनोक्सीडिल का इस्तेमाल करता था, फिर बाद में जो है मैं भी बायोटिन वगैरह लेने लगा, जब बहुत अच्छा रिजल्ट जो है इसका मिलता है। तो साथ में बायोटिन का इस्तेमाल जरूर कीजिए। मिनोक्सीडिल कौन सी बेस्ट है, बायोटिन कौन सी है, क्या होती है, तो सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो वहां से आप ले सकते हैं कौन सी बायोटिन आपको लेना है, कौन से आपके हिसाब से ठीक है, जो आपके बजट में समाए वो ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा अगर आपको लेना है, देखना चाहते हैं कौन सी बायोटिन है, कौन कौन सी बेस्ट है, सब डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने मेंशन कर दिया है। और दोस्तों, आपको एक और बात बताना चाहूंगा, पहले जो है मैंने काफी सारे मिनोक्सीडिल इस्तेमाल करे हैं, जब मैं इस्तेमाल करता था उसके बाद मेरे काफी ज्यादा हेयरफॉल दिखने लग जाता था 10 से 15 रोज में, तो मैं बस सडनली उसको बंद कर देता था, फिर आगे नहीं रहता था। पर जब से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, उसके बाद में जो डॉक्टर के रिकमेंड से, उसके पहले से मतलब कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब जो है लास्ट 2 month से जो है मिनोक्सीडिल जो है मैं
कंटिन्यू इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी फिर मैंने मिनोक्सिडिल बंद नहीं करा। मेरे को शुरुआत में मेरे को भी बात ज्यादा जड़े थे मिनोक्सिडिल इस्तेमाल करने के बाद में, फिर ये चीज नॉर्मल हो गई और हेयर को रीग्रो कराने में ये मदद मिलती है। दोस्तों आपको थोड़ा दिखा देता हूँ मैं, आपको विश्वास हो जाए जो मैंने कितने सारे जो है मिनोक्सिडिल इस्तेमाल कर लिए। ये देखिए दोस्तों मिनटॉप का 2%, उसके बाद में मिनोकेन का देखिए, उसके बाद में ये देखिए, उसके बाद लिवोन हेयर क्लीन का भी जो है मैंने इस्तेमाल कर लिया है। उसके बाद देखिए दोस्तों अभी जब मेरे को रिजल्ट मिलना लगा है तो मैंने ये दो एक्स्ट्रा ऑर्डर कर लिए है अमेजोन से, दोनों एक साथ बुला लिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से आप भी बुला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कितने सारे जो है मिनोक्सिडिल जो है मैंने इस्तेमाल करे है। ये दोस्तों क्या करता था ना मैं कि जब पहले इस्तेमाल करता था बाल उड़ जाता, झड़ने दिखते थे तो मैं वो बंद कर देता था सडनली, पर अब डॉक्टर ने जब रिकमेंड करा तो मैंने इसको कंटिन्यू लिया, फिर जो है ये प्रॉब्लम मेरे साथ धीरे धीरे बंद हो गई है। तो आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा दोस्तों, और अगर आपको 2 महीने बाद भी ये प्रॉब्लम दिखती है 1.5 से 2 महीने बाद भी, तो फिर आप इसको मत लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सभी चीजें की लिंक दे दी है मैंने, आप वहां से चाहे तो ऑनलाइन ले सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। और दोस्तों आपके मन में किसी तरह का फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, अपने बालों का ध्यान रखिएगा, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, बाय।